क्यों आया है ना दाल तड़के का रंग बहुत ही बढ़िया। ये बनाई है हमने बिल्कुल देसी ढाबा स्टाइल। ये बहुत ही स्वाद बनी है, एक बार खाओगे तो कटोरी भी चाट जाओगे। हे फूडीज, वेलकम टू आशिमास किचन। जब भी दाल घर पे बनती है तो मुंह से निकलता है ओहो, और जब वही दाल आप ढाबे पे खाते हैं तो मुंह से निकलता है क्या बात है। तो जो उस पीली दाल में तड़का लगता है, बस मैं आज इस वीडियो में उसी तड़के का फॉर्मूला बताने वाली हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और इसके बाद आपके घर पे हमेशा बनेगी ढाबा स्टाइल दाल तड़का। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। तो चलो बनाते हैं दाल तड़का। तो दाल तड़का बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप तूर दाल। इसको एक बाउल में डाल लेंगे और उसी की 1/4 मात्रा में यानी कि 1/4 कप ली है मैंने मूंग दाल। इन दोनों दालों को अब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी और एक बार हाथों से मसल रही हूँ ताकि दाल की सभी इम्प्योरिटीज निकल जाएं। आप देखेंगे कि पानी का रंग हल्का डार्क हो गया है, तो ये इम्प्योरिटीज निकालना बहुत जरूरी है। अब इस पानी को गिरा देंगे। अब दाल हमारी हो गई है साफ। अब फिर से ताज़ा पानी डाल लेंगे बाउल में और दाल को सोखेंगे 10 मिनट के लिए। पानी में भीगी रहने से दाल हल्की सी फूल जाएगी। 10 मिनट बाद हम दाल को डाल लेंगे अपने कुकर में और इसको उबाल लेंगे। इसके लिए डालेंगे इसमें 4 कप पानी। वन टीस्पून हल्दी ताकि दाल में अच्छा रंग आ जाए और 1 टीस्पून सॉल्ट या फिर एज पर योर टेस्ट। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इनको पकाएंगे जब तक कुकर में 3 सीटियां ना आ जाएं। और 3 सीटी आने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और स्टीम के ठंडे होने का वेट करेंगे। स्टीम निकल गई है और हमारी दाल की कंसिस्टेंसी बढ़िया लग रही है। कई बार क्या होता है, पकने से तूर दाल अलग हो जाती है और पानी अलग, इसीलिए मूंग दाल साथ में डालना ज़रूरी है। मूंग दाल में लेस होती है तो इससे हल्की सी थिकनेस आ जाती है। क्या बात है, लग रही है ना दाल बढ़िया। चलो बनाते हैं इसका तड़का। उसके लिए पैन में मैंने लिए हैं 2 चम्मच घी। आप चाहें तो तड़का तेल में भी बना सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। जब जीरा हमारा पॉप करने लग जाएगा हम डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्च। मैंने यहाँ 3 मिर्च ली है और इनको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जब ये भुन जाएंगे हम डालेंगे अपने तड़के में बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन की मैंने 8 से 10 कलियां ली हैं। उसके बाद बारीक कटा हुआ अदरक। इन सबको हम घी के साथ पका लेंगे। क्योंकि हम बना रहे हैं इसको ढाबा स्टाइल तो लहसुन अदरक की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा डाल रहे हैं। इसके लिए आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। इनको हम अच्छे से पकाएंगे। ये पक गए हैं। अब डालेंगे इसमें हम कटा हुआ प्याज। प्याज को दाल तड़के के लिए बारीक चॉप नहीं करना, बस ठीक ठीक सा चॉप करना है। इनको भी हम तड़के में मिला लेंगे और प्याज को भी भून लेंगे। प्याज के भुनने के प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और इसको अच्छे से मिला लेंगे। प्याज भुन गए हैं और नरम भी हो गए हैं। तो अब हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और इन मसालों को तड़के के साथ मिला लेंगे। इनको 1 से 2 मिनट तक सॉटे कर लेंगे ताकि सभी मसाले पक जाएं। मसाले हमारे पक गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं और उनको चॉप कर लिया है। टमाटर को भी फाइन चॉप नहीं करना, जैसे जैसे ये पकेंगे अपने आप नरम हो जाएंगे। उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च। मैंने 2 मिर्चियाँ डाली हैं चॉप करके और सबको हम मिला लेंगे।
क्यों आया है ना हमारे तड़के का रंग बेहतरीन। आपको दाल तड़का कितना पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम पैन पे ढक्कन लगा देंगे और मसाले को पकाएंगे 2 से 3 मिनट। तड़का हमारा भुन गया है और मसाले ने अपना फ्लेवर छोड़ दिया है। अब डालेंगे हम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ता। इनको भी हम मसाले के साथ पका लेंगे। वाह, अब आई तड़के की बढ़िया खुशबू। यही वो टाइम है जब आपके घर वाले किचन में आके जरूर देखेंगे कि इतनी अच्छी खुशबू, ऐसा क्या बन रहा है। टमाटर को भी हम पीस के मिला लेंगे। तो अब हम फाइनली डाल लेंगे इसमें अपनी बॉइल्ड दाल और उसको मसाले के साथ मिला लेंगे। लग रही है ना मुंह में पानी ला देने वाली। अभी तो इसमें एक ही तड़का लगा है, जब दूसरा भी लग जाएगा तो इसका लुक एंड टेस्ट और भी बेहतरीन हो जाएगा। दाल तड़के में कुछ ऐसी बात है कि जब भी आप दाल तड़का बनाएंगे तो घर के हर कमरे में इसकी अरोमा पहुंच जाएगी। अब इसमें डालेंगे हम अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट बटर। जी हाँ, बटर का फ्लेवर दाल तड़के को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। बस 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद दाल तड़का हमारी बनके तैयार है। इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी आई है और इसका रंग भी अच्छा लग रहा है। इसको आप भी जरूर बनाएं और रोटी, नान और चावल के साथ सर्व करें। अब हम बनाएंगे इसका तड़का नंबर 2। उसके लिए कड़छी में मैंने लिया है देसी घी। जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाएगा हम डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून लाल देगी मिर्च पाउडर। इनको हम 30 से 40 सेकंड तक पकाएंगे और इस तड़के को डाल लेंगे हम अपनी दाल पर। क्या बात है, ये लग रही है बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल, मानो किसी ढाबे से ऑर्डर की हो। दाल का कलर और ऊपर से तैरता हुआ तड़के का घी जिसमें होता है गुड फैट, इज जस्ट वाओ, टोटली माउथ वाटरिंग एंड फुल ऑफ फ्लेवर। दाल तड़का हमारा बनके तैयार है। मैं जल्दी से इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। ये बना है बहुत ही मसालेदार और बिल्कुल ढाबा स्टाइल। इस दाल तड़के को आप एक बार घर पे बना लोगे तो आपको कभी ढाबे पे दाल तड़का खाने की क्रेविंग नहीं होगी। तो आप भी इस दाल तड़के को घर पे बनाने का ट्राई जरूर करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करें। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो जब भी आप बनाएं तो वहां से रेफर कर लें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस अभी बिल्कुल अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। मेरी और भी अपडेट्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आशिमास किचन। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें। हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।